एमओटी केमिकल बॉन्डिंग का जो है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बच्चों उतना ही सरल भाषा में आसानी से सीखेंगे। बस अगले वीडियो आप पूरा देखेंगे। सबसे पहले बच्चों इसका पूरा नाम लिखते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहता है कि थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले हुन साहब और मुलिकन साहब की, और इसको भी लिख लेते हैं, डेवलप बाय हुन एंड मुलिकन, मोली। अब बच्चों इस थियोरी को समझने के लिए हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, H2। समझिएगा बच्चों बहुत आसान है। अब H2 में बच्चों दो आइटम है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां रखिए, एक हाइड्रोजन यहां रखिए, और हाइड्रोजन एक नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाइए 1s1 1s1। अब कहता है कि इसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन वन होगा। ये दोनों ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे, है ना, अपोजिट स्पिन होगा, ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है कि H2 मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बच्चों ओवरलैप कर रहा है, यानी मोलिक्यूल्स में ही एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो है कहना था बच्चों VBT का, VBT का। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल में कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइंड होता है तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और दोनों में ऊर्जा यानी एनर्जी डिफरेंट होता है। अब मान लिया एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बच्चों, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों अगर कंबाइंड होता है तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। एक हो गया बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा हो गया बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। कहता है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी, जितना कम एनर्जी उतना अधिक स्टेबिलिटी, यानी ए जो है बच्चों अस्टेबल होता है। ए है हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, और जितना अधिक एनर्जी उतना अधिक अनस्टेबिलिटी, यानी एक हो गया सिग्मा तो दूसरा हो गया बच्चों सिग्मा स्टार। तो कहता है कि बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बच्चों एक अच्छी थ्योरी है, लेकिन इसमें कुछ चीज को छोड़ दिया जाए तो बेस्ट है। कुछ चीज में है बच्चों जैसे अस्टेबिलिटी हो गया। कहता है H2 है, H2 प्लस है, H2 माइनस है, ये तीनों में सबसे अधिक अस्टेबल कौन है इसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई चर्च नहीं। दूसरा है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, किसी मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्ट बॉन्ड को नहीं बताया। किसी का बॉन्ड होता है 2.5, किसी का 1.5, किसी का 0.5, लेकिन इन्होंने सिंपल जैसे H2 है तो सिंगल बॉन्ड, O2 है तो डबल। इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे बच्चों O2 के बारे में इन्होंने कहा डाय मैग्नेटिक, डाय मैग्नेटिक, जबकि O2 क्या होता है पारा मैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। तो इसमें बच्चों कुछ पॉइंट निकल के आया। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल
की बात करें तो बच्चों क्या आ जाता है, एटम। और मोलेकुलर ऑर्बिटल की बात करें, मोलेकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो क्या आ जाता है, मोलेक्यूल्स। अब मोलेक्यूल्स का मोलेकुलर ऑर्बिटल बन रहा है बच्चों, तो स्वाभाविक है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, कहता है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगा उतना ही मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। नंबर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म। इसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लीनियरली कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस मोलेकुलर ऑर्बिटल। और इसमें ध्यान में रखना है भी बच्चों कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दोनों का एनर्जी सेम होगा, सेम एनर्जी। यहां लिख लीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल गिव टू मोलेकुलर ऑर्बिटल। कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होता है दोनों का एनर्जी सेम होता है, लेकिन दो मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एक का जो है एनर्जी कम होता है और दूसरे का एनर्जी अधिक होता है। जिसका एनर्जी अधिक होता है बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, और जिसका एनर्जी कम होता है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। एक सिग्मा है बच्चों तो दूसरा सिग्मा स्टार है। वन इज लोअर एनर्जी एंड अदर इज हायर एनर्जी फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल इससे इसका जो है बच्चों एनर्जी लोअर है और इससे इसका एनर्जी हायर है। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। इसके बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस मोलेकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस according to above on poly and on rule। कहता है मोलेकुलर और वाइटल में इलेक्ट्रॉन को फेल करेंगे बच्चों, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे अफवाह पॉली एंड ऑन्स रूल, जो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर कर लेते हैं। जैसे अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है,
कि एटॉमिक ऑर्बिटल को उसके एनर्जी के बढ़ते हुए के क्रम में सजाया जाता है, और एनर्जी डिपेंड करता है बच्चों एन प्लस एल वैल्यू। एन से हो गया प्रिंसिपल, एल से एजीमुथल। कहता है जिस ऑर्बिटल का एन प्लस एल वैल्यू अधिक होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी अधिक होगा। ये बच्चों अफबाव प्रिंसिपल कहता है। लेकिन इसमें बच्चों हम लोग एन प्लस एल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s, इस प्रकार से सिग्मा 2s, 2s सिग्मा स्टार 2s वगैरह वगैरह आगे, है ना। इस तरह से कहता है कि जिसका एनर्जी यानी जिसका ऊर्जा लोअर होगा वो नीचे रखा जाएगा, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। जिसका ऊर्जा अधिक होगा वो ऊपर रखा जाएगा, हायर एनर्जी। ए हो गया बच्चों सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ए हो गया सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद पॉली, पॉली पॉली का कहना था बच्चों कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और स्पिन उसका अपोजिट होगा। जैसे एक ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा और स्पिन इसका अपोजिट होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं इसमें समान नहीं हो सकते हैं। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल बच्चों। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसको अगर सजा रहे हैं 1s2, 2s2, 2p3, तो कहता है कि s है दो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, 2s है दो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 6 होता है। तो कहता है उस रूल के अनुसार क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन है सभी को समान ढंग से बांटिए, यानी एक एक एक, यही है बच्चों उस रूल। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए, टाइप्स ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म। कहता है कि इसमें दो मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है बच्चों, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे तो मोलेकुलर ऑर्बिटल होगा। पहला है सिग्मा मोलेकुलर, मोलेकुलर ऑर्बिटल। एक कैसे बनेगा, तो कहता है वेन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस विथ 1s या 2s कंबाइंस विथ 2s। कहता है 2 सिग्मा मोलेकुलर कुलर ऑर्बिटल फॉर्म। पहला है बच्चों सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहां स्टार भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, यहां सिग्मा के जगह पर ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेन 2px एटॉमिक, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस विद 2px और 2py विद 2py, सेम ऑर्बिटल सेम एनर्जी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं बच्चों, दोनों को सेम लेंगे यानी दोनों का एनर्जी भी सेम होगा। 2π मोलेकुलर
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। फर्स्ट है बच्चों पाई बॉन्डिंग और सेकेंड है पाई एंटी बॉन्डिंग। या तो यहां स्टार लगा दीजिए, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, पाई सिर्फ छोड़ दीजिए, है ना, बॉन्डिंग हो जाएगा। आज यहीं तक बच्चों कथा। अगले कथा में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर। इसी के साथ बच्चों